राखी हौसला कि रउए भविष्य और वर्तमान लिखब, आवे वाला पीढ़ी खातिर रउए संविधान लिखब। गोर लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बरगोल के अपना कार्यक्रम जौना के नाम है खूटा ठोक के। लगातार बिहार और बिहार के राजनीति के चर्चा रउआ भीरी पहुँचत हुई, चाह के दुकान पर बैठी। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे के बा, लेकिन आवश्यकता अनुसार सामान खरीदे जरूरे रुआ जात हो कब बाजार में, तो ओजा बाजार हाट में खरीदे के बेरा चर्चा जरूर चलत हुई कि आवे वाला बिहार के भविष्य का हुई, राजनीति कौना करवट बैठी और केकरा के रुआ अपना नजदीक समझतानी, केकरा पर रुआ भरोसा बा, केकरा के रुआ वोट देव, ई रुआ मन में घूमत हुई। और जब वही बात के कोई दोसर रुआ से चर्चा परिचर्चा में कहत हुई तो रुआ ओकरा के जोड़ घटाव करे लागल हो। ऐसने जोड़ घटाव अब बिहार के राजनीतिक दल में भी होके लागल बा। चुनाव के फले अभी 2-3 महीना समय होके, लेकिन चुनाव के तैयारी जबर ढंग से हो रहा बा। हर राजनीतिक दल अपना अपना हिस्सा के, आपन आपन हिस्सेदारी के तैयारी शुरू हो कर दिले बा। लगातार सबसे ज़्यादा अगर समस्या कहल जाओ तो ई रुआ ना कह सकिले कि महागठबंधन में बा कि एनडीए में बा, समस्या दोनों तरफ बा। दोनों तरफ में अब की हाली चुनाव के बड़ा महत्व दिहल जा रहा बा। कारण बा कि जहाँ एक तरफ रोलो के बार बार बताओल जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी अब के लिए कोनो चूक नहीं कल चाहत 2020 के चुनाव में, ओजे तेजस्वी यादव भी अब कोनो तरह के ऐसा समझौता निखन कर चाहत कि जौना से उनका 5 साल के पहले झटका लागो। 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद जौना तरीका से नीतीश कुमार के साथ समझौता कैले, ए समझौता में 3 गो दल रहे और तीनों दल अलग अलग ढंग से बिखर गई। एगो नीतीश कुमार के फैसला तीनों के 3 खाना में छितरा दिलस। आज स्थिति बा कि बहुत सोच समझ करके लालू प्रसाद के जौन फैसला भई रहे, वो फैसला उनकर ज्यों के त्यों तमा गई। आज भी उनकर दोनों बेटा सत्ता से बाहर बा और उनकर पार्टी भी सत्ता से बाहर बा। लगातार तेजस्वी यादव के एक के दुख रह गई कि अगर वो घड़ी वो अपना परिवार और पार्टी के बात मान ले रहते तो भले सरकार ना बन रही, लेकिन मामला वही घड़ी सुधर गई रही और आगे के रणनीति पता चल गई रही। लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार जौन शुरुआत कैले, उ शुरुआत के अंजाम तक ना पहुंचा करके बीचे में धोखा दे दिले। ई बात आरजेडी के और तेजस्वी यादव के पूरा परिवार राबड़ी देवी से लेकर के सबे कहेला। हालांकि यह बात के दुख तकलीफ कांग्रेस के भी बा। कांग्रेस भी एगो लंबा समय के बाद सत्ता में आई रहे। अब सत्ता में अला के बाद रुआ समझ सकता नहीं कि कांग्रेस ऐसा पार्टी जौना के कह जाला कि ओके जो नेता बड़े राहुल गांधी, रुआ कई तरह के उनका पर आरोप प्रत्यारोप के दौर सुनल हो कब, आरोप प्रत्यारोप करत लोग के देखल हो कब, उनका पर हमला देखल हो कब, लेकिन उनका जवाब जौना शालीनता से उदेवेले, जौना तरीका से उदेवेले, ओकरा पर कतना लोग के कहना बा। बिहार के भी एगो लेखक पत्रकार और एकदम जीवंत व्यक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुकल वाले, उनका कहना बा ध्रुव गुप्ता जी के कि शायद राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति यह समय के यह राजनीति खातिर और भारत के जौन स्थिति बा ओकरा खातिर निखन बनल, राजनीति खातिर ऐसा व्यक्ति निखन बनल। उनका जन्मदिन पर बधाई देते हुए ये बात ध्रुव गुप्ता जी लिखले रहे और बड़ा ये बात के लोग एप्रिशिएट भी कैले बा। खूब उनका फेसबुक पर ये बात चर्चा में चल रहा बा। अब ये सब बात के बीच में जौन आवे वाला चुनाव बा ओकर रणनीति बने के शुरू हो गई बा। अलग अलग राजनीतिक दल अपन अपन रणनीति बना रहा बड़े, खास करके एनडीए में जबर राजनीति बनता और वो रणनीति के तहत जैसे कि रुआ जानते बानी कि प्रधानमंत्री जी भी जौन वापस आयल श्रमिक बड़े उनका खाती योजना लेके आयल बड़े, श्रमिक रोजगार कल्याण योजना। एक शुरुआत भी कहाँ से भइल रुआ पता बा, खगड़िया से भइल और खगड़िया के ऐसा गाँव से शुरू भइल कि जौना गाँव में नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली के शुरुआत कैले रहन। खगड़िया के तेलिहार गांव बा जौना गांव के एक खातिर चुनल गई, जहाँ के महिला अपना के पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनावे के प्रयास में लागल बाड़ी। 450 के आसपास एक गांव में लोग वापस लौट के आयल बा जौना के जॉब कार्ड बन गई बा और वो लोग के बात के खुशी बा कि यह गाँव में उनका रोजगार मिली। कई लोग के बयान भी आयल बा और प्रधानमंत्री जी के
एक घोषणा के लेकर के, और खास करके वही गांव में जाना, तेलिहार गांव में, जहां से जल जीवन हरियाली के शुरुआत भई रहे, रुआ समझ सकत नहीं कि ई बात कहां जा रहल बा और कौना तरीका के रणनीति बन रहल बा। एकरा के तो अलग किनारे रख दी, एकरा पर चर्चा हमनी के विस्तृत रूप से कल जाई, लेकिन जौन चर्चा करे खातिर बैठल बानी ओकरा में कांग्रेस जौन बा उ आपन एक तरफ तो तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट माने खातिर पूरी तरह से तैयारी कर दिले बा, घोषणा भी कर दिले बा, और भीतर ही भीतर ये बात के तैयारी चल रहा बा कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव बनस उनका कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन एकरा पर चुप्पी अपन तोड़ लेबा। चुप्पी तोड़े में कहीं ना कहीं अब आज ये दिखाती थोड़ा वजनदार उनका चुप्पी बा। लगातार महागठबंधन के भविष्य के लेकर के चर्चा चल रहा बा। रुआ देख लो कब कि जब आरएलएसपी से बातचीत भइल तो आरएलएसपी के दू दू गो जौन पिलर बाड़े उ लगातार, चाहे मुख्य पिलर उपेंद्र कुशवाहा, सबके मन मिजाज एक बा कि अब की हली के चुनाव में उस साथे लड़ करके मजबूती के साथ पूरा समझौता पहले करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके और पूरा दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ल जाओ और जाना से कि परिणाम उन हमनी के पक्ष में आवे। लेकिन अभी तक एक पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ बैठक ना हो सकल, अलग अलग तीनों दल मिलकर के बैठक के लिए, जौना में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, मुकेश सहनी के वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी रहे। ए बीच में मुकेश सहनी से भी जब बातचीत भई तो सीधा तौर पर कहते रहे कि उनकर पूरा फोकस जोन बा वो बिहार पर बा, बिहार के लोग के रोजगार देवे पर बा और महागठबंधन के मजबूती पर बा, जौना से कि आने वाला चुनाव में वो बिहार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के बाहर कैसे कैया ओकर योजना बना रहल बड़े और ओकरा पर उनकर पूरा फोकस बा। कारण कि ओकरा से डबल इंजन के नाम पर बिहार के जौन बर्बादी हो रहल बा, जौन समस्या में फंस गेल बा बिहार, ओकरा से बाहर निकालल जरूरी बा, वरना बिहार के स्थिति और दयनीय हो जाई। सिर्फ हवा हवाई योजना से कुछ ना हुई। माधव आनंद से बात हुई तो वो यह बात कहले, माधव आनंद चूंकि रुआ जानते बानी कि वो अर्थशास्त्री भी हवे और उनका बहुत सारा अनुभव भी प्राप्त बा, कैसे रोजगार सृजन होला और कैसे पैसा अर्जित कर जाला, कैसे पूंजी निवेश होला और कैसे हो पूंजी से लाभ कमाई जा सकला, ओकर विशेषज्ञ बारे वो कहले कि बिहार में जरूरत बा अब नया सिरा से बिहार के लोग के सृजित करे के, रोजगार सृजन के और ओकरा से लाभ पैदा करे के, बिहार के सबल बनावे के। ये सबके बीच में सीट शेयरिंग वो बहुत बड़ा समझौता बा और फैसला बा, एकरा के लेकर के हर कोई के अपन अपन दावेदारी हिस्सेदारी बा। ये हिस्सेदारी में कांग्रेस स्पष्ट कर दिले बा कि उनका सीएम पद से कुछ लेना देना नहीं है। सीएम पद पर आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम घोषित कैले बा, उसका से उनका कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका नजर जौन बा वो 2015 के समझौता पर चल गई बा। 2015 के समझौता में जौन समझौता आरजेडी और जेडीयू के, मतलब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में भई रहे, 101 सीट के और 41 सीट कांग्रेस के मिल रहे, कांग्रेस आपन 41 सीट छोड़े के तैयार बा। काहे छोड़े के तैयार बा इहो रुआ के बता देते हैं, चूँकि कांग्रेस अभी देख रहा बा कि ओकर स्थिति 41 सीट में जब वो 27 को जीत सकेला तो और सीट मिली तो ओकरा और ज़्यादा जीत हासिल हो सकेला, सबसे बढ़िया रिजल्ट ओकरे रहे। इस सब बात के लेकर के उनकर मानना ही बा कि जो जदयू से सीट छूटल बा उस सीट कांग्रेस के खाता में जाए के चाहिए, अगर पूरा नहीं खेजात तो ओकरा में से अंशतः 20% घटा करके 70 से 80 सीट कांग्रेस के खाता में जाए के चाहिए, शायद इस शर्त भी हो सकेला और एक आगे बढ़ करके पहल भी हो सकेला जौन आरजेडी के सामने आरजेडी के पाला में अपन गेंद फेंक दिले बाड़े। अब तो शक्ति सिंह गोहिल सांसद बन गई बाड़े जौन बिहार के प्रभारी रहे हैं और बहुत अच्छा संबंध उनकर तेजस्वी यादव और आरजेडी लालू प्रसाद से कहल जा रहा है। देखे वाला बात हुई कि आरजेडी एकरा पर कितना विचार और मंथन करता, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि एक तरफ से महागठबंधन के मजबूत दावेदारी और सबल जरूर मिल गई, भले सीट शेयरिंग के समझौता में 19-20 होके, लेकिन जौना तरीका से एनडीए में नीतीश कुमार के कप्तान घोषित करके आपन कोरम पहले पूरा कर दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, वैसे ही अब महागठबंधन में भी ई कोरम पूरा हो गई। कांग्रेस के तरफ से
बात भीतर खाना से आना कि उनका कोई आपत्ति नहीं है, उनका कप्तान तेजस्वी यादव हुई हैं। ये बात के कई हाली रिपीट सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कर चुकल बाड़े। अब एक तरफ से तेजस्वी यादव के कोनो तरह के समस्या नहीं है। तेजस्वी यादव और उनका टीम लगातार कह रहा बा कि जेकरा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार माने के बा उ आ सकेले और हमरा से बात कर सकेले। अब देखे वाला बात हुई कि यह बात पर जबकि कहीं भी आपत्ति आरएलएसपी के भी नहीं है, आपत्ति एकरा में कहीं से वीआईपी के भी नहीं है। मुकेश सहनी के भी कहना बा कि के मुख्यमंत्री बनता है प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये बा कि कितना मजबूती से एक समझौता के तहत एकजुटता के तहत हमनी के चुनाव लड़ी जा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हरा दी जा। एकरा में और भी चर्चा बहुत चलत रहे, उ चर्चा रुआ लोग से कहबे कनी, लेकिन वर्तमान जो स्थिति बा ओकरा में कांग्रेस के एक तरफ से हामी भरला से कांग्रेस के सीट शेयरिंग के समझौता सुलझावे के और ऑफर के बाद कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में एक नया सोच और आरजेडी के पाला में गेंद चल गई बा। अब आरजेडी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और आरजेडी के जो कोर टीम बा उ का फैसला करता ये बहुत ही महत्वपूर्ण बा। अब ये सब स्थिति पर कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के रूप में नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव एक बड़ा मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा हो जास ई कोनो अतिशयोक्ति ना हुई, ऐसे कि अब उनका समर्थन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है देश के सबसे बड़ा पार्टी नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा बा, उनका के कप्तान घोषित कर दिलस, वही यह देश के सबसे पुरान पार्टी तेजस्वी यादव के अपन कप्तान माने खातिर तैयार बा। अब एक कप्तानी के और दोनों टीम के बीच में कितना बड़ा युद्ध हुई, कौन 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 बनी और केकर जीत हार हुई ये फैसला रउआ लोग के करे के बा। हमनी के काम जौन बा हमनी के अपना काम के ईमानदारी से करे के प्रयास करते हैं जा। यही चलते बार बार भारत लाइव कहला कि भीड़ में रह के भी भीड़ के हिस्सा ना होले, भीड़ में रह के भी भीड़ के हिस्सा ना होले, ये भारत लाइव वाला लोग कभी जमीर के सौदा ना करेले। गोर लगत नहीं बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।